तो दोस्तों मैं हूं आपका और राहुल, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है KTM Duke 125 BS6 की हम बात करते हैं, जो कि अभी तक कंफर्मेशन इसकी न्यूज़ आ गई है कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर तो यार अगर देखा जाए तो इस बाइक को अब के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कह सकते हैं 125 को। क्यों यार, देखो ऐसा है कि एक अगर आपको KTM का चाहिए, लोगों मतलब KTM की बाइक चाहिए और आप चाहते हो कि उसमें मतलब KTM वाला लुक मिले, तो आपके लिए ये बाइक सही है। अब प्राइस के हिसाब से मुझे सही लग रहा है। तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको BS6 FI जो कि पहले से आता था और लिक्विड कूल जो कि ये भी चीज़ पहले से आती थी। तो अब इसके अंदर चेंज क्या हुआ, तो देखो यार इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, जो कि इसके अंदर चेंज हुआ, इसका जो इंजन है वो BS6 कर दिया गया है। इसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा सा कम करेगा। बैंड पाइप जो आपको मिलेगा, जो आपको पहले बाहर के साइड से आता था, वो नीचे की साइड से आता है कैटलिटिक कन्वर्टर, उसमें भी आपको इन्वॉल्व मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो इंजन है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इंजन के अंदर रही बात, तो इसके अंदर जो आपका इंजन है वो इंजन ना अब इसका ज़्यादा मतलब कहने का मतलब जो पहले की बाइक्स आ रही थी, जैसे दो BS4 की अगर मैं बात करूँ तो BS4 की बाइक के अंदर ये आ रहा था कि कूलेंट बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, कूलर जो बैंड पाइप है वो इंजन ऑयल उसमें मिक्स होके हो रहा था, मतलब ऐसी ऐसी जो दिक्कत आ रही थी वो छोटी छोटी जगह से क्रैक हो रहा था। तो वो सारी प्रॉब्लम अभी BS6 इंजन में ख़त्म कर दी है। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो BS6 का ही इंजन ले लेना भाई, मिल जाएगा मार्केट में आ गया। अगली जो इसके अंदर जो आपको पावर मिलेगी, पावर सेम वही मिलने वाली है, 14.3 BHP की पावर मिलेगी। और वहाँ पे जो आपको टॉर्क मिलने वाला है वो मिलने वाला है 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, जो कि पहले वाला है। फ़ायदा इसके अंदर ये है कि आपको जो पहले प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम अब KTM ने ख़त्म कर दी है। इंजन और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। अब साउंड तो क्या, मुझे तो पहले से इसका पसंद नहीं, अब आप लोग को वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग को पसंद है कि नहीं है। तो बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। हाँ, ग्राफिक्स भी इसमें हल्के वुल्के चेंज हुए, जो कि मुझे ये नहीं लग रहा कि ज़्यादा वो है, लेकिन ये है कि हाँ सही है, चलो देखा जाए तो सही है। इतना ज़्यादा भी खास ग्राफिक नहीं करे गए 125 के सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन हाँ फिर भी सही है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तो देखो यार मेरा जो चैनल है वो चैनल को स्ट्राइक लग गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। तो भाई राहुल व्लॉग्स ये वाले जो चैनल है, इस चैनल को प्लीज़ बहुत जल्दी इसको आगे सपोर्ट कराओ यार, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। वो चैनल धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, वहाँ पे अब स्ट्राइक लग गए 90 दिनों की लग गई, तो यार आप इसको प्लीज़ बढ़ाओ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो कर लेंगे हमारे में खराब करके मैडम का। और मेरे एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर ही लेना यार। तो ओके बाय।